अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप न्यूज में आपको खुश आमदीद। भारतीय SU-30 तैयारी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ SU-30 से कोई भी मुकाबला नहीं करने वाले। SU-30 को पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में गिराया था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स में इसे लेकर ये परेशानी है कि अगर वो पाकिस्तान JF-17 के मुकाबले में SU-30 को इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान JF-17 का शिकार हो जाएंगे। इंडिया के पास 272 की तादाद में SU-30 तैयारें मौजूद हैं, इसलिए इंडिया ने उन्हें रिटायर करने की बजाय अपग्रेड करने का मुआहदा रूस से कर लिया है। रूस भी अब तमाम 272 तैयारों को अपग्रेड करने वाला है, जिनमें नए इंजन के साथ नए इसराइली मिसाइल फिट किए जाएंगे। इसराइल और रूस का कहना है कि वो इस मामले में इंडिया के लिए तैयारें अपग्रेड करने को तैयार है। रूस से मुआहदा भी हो चुका है, ये इसलिए किया गया कि इंडियन एयरफोर्स को SU-30 उड़ाने पर मनाया जा सके। आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने जो SU-30 तैयारा तबाह किया था उसके दोनों पायलट मर चुके थे। इस बात को भी लेकर इंडियन एयरफोर्स काफी परेशान है कि SU-30 की इजेक्शन सीट भी काम नहीं कर रही, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने ये जरूरी समझा कि वो अब इसका बायकॉट करें और अब मोदी सरकार इसे अपग्रेड करने जा रही है। खबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।